अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक में क्या कुछ चीज़ें हराम हो जाती हैं, उनका खाना जायज़ नहीं रहता है, क्या ऐसा कुछ है? जैसे कि मछली और अंडा है, तो क्या रमज़ानुल मुबारक में मछली और अंडे का खाना जायज़ नहीं है? तो याद रखिए, जिन लोगों ने भी ये समझा कि रमज़ानुल मुबारक में मछली और अंडा नहीं खाना चाहिए, इसकी कोई असल नहीं है, बेसनद और बेबुनियाद बातें हैं। रमज़ानुल मुबारक में मछली और अंडा खाना बिल्कुल दुरुस्त है, हलाल है। तो लिहाजा मछली और अंडा ये रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी हलाल है, और रमज़ानुल मुबारक में भी वो चीज़ें हलाल रहेगी, मछली और अंडा दोनों हलाल रहेंगे। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में भी मछली और अंडा खा सकते हैं, किसी तरह की कोई कबाहत और शरान बिल्कुल कोई इसमें बुराई या कराहत नहीं है, बिल्कुल हलाल चीज़ें हैं, आप खा सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, अंडा गलीज़ जगह से निकलता है, तो याद रखिए रमज़ान के अलावा भी वो गलीज़ जगह से ही निकलता है। तो रमज़ान के अलावा जब खाते हैं तो रमज़ानुल मुबारक में भी खा सकते हैं, बिल्कुल बिला कराहत जायज़ है, बिल्कुल हलाल है। इसी तरह मछली ये भी खा सकते हैं। हाँ, तिब्बी एतबार से जैसा कि भाई ने कहा कि प्यास ज़्यादा लगती है, तो भाई ये रोज़ा है, ये रोज़े में भूख लगेगी, खाने पीने से रोक दिया गया तो जाहिर सी बात है भूख लगेगी, प्यास की शिद्दत महसूस होगी, तो उसी को बर्दाश्त करने के लिए कहा गया है। तो तिब्बी एतबार से प्यास ज़्यादा लग सकती है तो उसी को बर्दाश्त करना है, ये अलग बात है, लेकिन हलाल चीज़ हराम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब इसका भी सलूशन है, इसका भी रास्ता है कि अगर कोई प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि बिल्कुल जान पर बन आए तो उसके लिए रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है, बाद में उसकी कज़ा करे। तो बहरहाल इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होगी कि प्यास थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर ले, और ऐसा नहीं है कि प्यास ज़्यादा लगती हो तो मछली खाने से तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शिद्दत की प्यास लग जाती है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हलाल चीज़ें हैं वो हराम नहीं हो सकती है। तो गैर रमज़ान में भी मछली और अंडा खा सकते हैं, हलाल है, तो रमज़ानुल मुबारक में भी मछली और अंडा खाना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। और फिर इसमें चाहे सहरी हो या इफ्तार हो, डिनर हो, दोनों वक्त खा सकते हैं, चाहे रात का खाना आप खा रहे हो तो उस वक्त भी खाना जायज़ है, सहरी भी कर रहे हो तो सहरी में भी मछली और अंडा खाना बिल्कुल जायज़ है। तो इस वहम को, इस गलत बात को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। तो उम्मीद है ये मसला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो इसके लिए कोई शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।